हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर के जो प्रीवियस इयर्स के क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स थ्योरी क्वेश्चंस नहीं, न्यूमेरिकल्स की हम यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। 19 और 18 इयर्स के मैं क्वेश्चंस अभी आज इस वीडियो में कवर अप कर रही हूं। पहला क्वेश्चन जो है 2019 में ये आया था, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree Celsius and assuming that it is completely dissociated. अब इसका मीनिंग क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। एक तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से शो करते हैं, पाई हमें कैलकुलेट करना है एक सॉल्यूशन में जिसमें कि K2SO4 के जो वेट इसमें डिजोल्व है वो 25 मिलीग्राम डिजोल्व है सॉल्यूशन में, जिसका वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है सॉल्यूशन का और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं आपको साथ साथ ये भी समझा रही हूँ कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। यहाँ पर 25 मिलीग्राम हमने पहले सारे डेटाज को कलेक्ट कर लिया, 25 मिलीग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000, तो इट विल बी इक्वल टू 0.025 ग्राम। वॉल्यूम लीटर में है तो इट्स ओके, लीटर्स में ही होना चाहिए। टेम्परेचर जो है हमारा केल्विन में होना चाहिए, तो 25 में हमने 273 केल्विन प्लस किया तो ये कन्वर्ट हो गया 298 केल्विन टेम्परेचर हो गया। वन मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन कि इस ये जो K2SO4 है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। कम्प्लीट डिसोसिएशन में N की वैल्यू जो है वो उसके बराबर होती है जितने आयंस में वो ब्रेक होता है, तो N की वैल्यू हमें पर यहां से K2SO4 से पता चलेगी। तो हमने पहले इक्वेशन बनाई, K2SO4 व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर देन इट विल डिसोसिएट इन 2 आयंस ऑफ पोटेशियम एंड 1 आयन ऑफ सल्फेट, तो ये 3 आयंस मेरे को मिलेंगे सॉल्यूशन में। तो इट मीन्स N की वैल्यू इस पोटेशियम सल्फेट के लिए क्या रहेगी, N इज इक्वल टू 3 रहेगा। तो आपने ये पढ़ा होगा फॉर्मूला, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, N की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला रखते हैं नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल डिसोसिएशन के बाद जितने आते हैं, यहाँ पर डिसोसिएशन के बाद 3 आ रहे हैं। और कितने मोल से बना है, 1 मोल से ये बना है, तो 1 मोल हमने नीचे रखा डिवाइड किया तो हमारी N की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। अब तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज कलेक्ट हो गई एक जगह, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला रखेंगे I, जहां पर I की वांट ऑफ फैक्टर को यूज करते हुए, जहां पर जो मोलर मासेस हैं, जो मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोसिएट हो जाते हैं उनके लिए जो पाई की वैल्यू है वो क्या रखी जाती है, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सी आर टी के बराबर होता है, लेकिन जहां वांट ऑफ फैक्टर हमें रखना है वहां आई से इसे और मल्टीप्लाई करते हैं डिसोसिएशन या एसोसिएशन केस में। यहाँ डिसोसिएशन में आई की वैल्यू जो है वो एन की वैल्यू से यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है, जिसकी वैल्यू क्या है, आई जो है वो यहाँ पर एन के बराबर होगा और I किसके बराबर हो जाएगा, 3 के ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पाई हमने निकालना है, I की वैल्यू हमने 3 रखी। C क्या होता है, C इज द कंसंट्रेशन, मोलारिटी के टर्म में है ये, C इज द मोलारिटी और मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स टू, नाउ द प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी इज इक्वल टू एन अपॉन वी। तो यहाँ हमने एन नंबर ऑफ मोल्स रखा, फिर आगे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, तो मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। नाउ प्लेस ऑल द वैल्यूज फ्रॉम देयर, 3 इंटू मास था हमारा 0.025 एंड मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से, यहाँ कैलकुलेट करके मैं दिखा रही हूँ आपको, किसी को मोलर मास कैलकुलेट नहीं करना होता हो तो 2 इंटू 39 एटोमिक मास है पोटेशियम का, सल्फर का 32
एंड 4 × 16। तो यहां से हम मोलर मास पोटेशियम सल्फेट का कैलकुलेट कर लेंगे। वो रखेंगे यहाँ मोलर मास, वॉल्यूम था 2 लीटर, आर की वैल्यू गिवन है 0.0821 एंड टेम्परेचर हमने लिख लिया 298। नाउ सॉल्व दीज ऑल वैल्यूज एंड कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम हियर। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा पैटर्न इसका। यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। जब इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा हो तो एन की वैल्यू जो मिलेगी यहाँ से वही आई के इक्वलाइज्ड होगी, इक्वल होगी। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो 2019 में आया था दिल्ली में। अ 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, बाय वेट दिया हुआ है सुक्रोज का 4% सॉल्यूशन जिसका मोलर मास है 342 इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271.15 के। इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 271.15 के सॉल्यूशन में। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। यदि हम ग्लूकोज का ऐसा ही सॉल्यूशन बनाते हैं 5% वाटर में जिसका मोलर मास है 180 वाटर के अंदर, तो जिस प्योर वाटर का ये फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, देन कैलकुलेट क्या करना है हमें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ग्लूकोज इन दैट सॉल्यूशन वाटर में। तो अब अगेन हमने क्या किया, पहले क्योंकि दो सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर, एक सुक्रोज का सॉल्यूशन है और एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। सुक्रोज का सॉल्यूशन क्या है, 4% सॉल्यूशन है बाय मास। बाय मास 4% से हमें क्या मिल रहा है, उसका वेट हमें मिल रहा है 100 ग्राम के अकॉर्डिंग। यदि टोटल सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम हो, टोटल सॉल्यूशन, तो 4 ग्राम जो है उसका सुक्रोज का मास होगा। ऐसे ग्लूकोज का भी हमें 5% सॉल्यूशन बनाना है, तो 5% सॉल्यूशन में टोटल मास, अगेन टोटल मास सॉल्यूशन का 100 ग्राम, तो उसमें ग्लूकोज का जो मास है वो कितना होगा, 5 ग्राम होगा, क्योंकि ये मास बाय मास का रिलेशन दिया हुआ है। अब इसमें जो टीएफ है इसके लिए वैल्यू, अब जो प्योर वाटर के लिए टी नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो होता है 273.15 केल्विन। प्योर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है और उसमें केल्विन हमने में चेंज किया तो 273 उसमें ऐड कर रखा है, ये दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले ये फॉर्मूला देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू डब्ल्यूबी सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन डब्ल्यूए, जो ये मोलारिटी के बराबर है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलारिटी, तो मोलारिटी को ये सिंप्लीफाई करके डब्ल्यू बी अपॉन एम बी एंड डब्ल्यू ए से ये रिलेट किया है, यहां से आया ये फॉर्मूला। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी। अब यहां पर यदि हमें डेल्टा टी एफ यहां पर निकालना हो कि चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, तो हमें ये डिफरेंस यहां पर यहां से निकालना पड़ेगा। तो प्योर वाटर का होता है 273.15 माइनस सुक्रोज का दिया हुआ था टेम्परेचर, जो फ्रीजिंग पॉइंट में चेंजेस आए वो है 271.15 केल्विन, दोनों केल्विन में है, तो इसमें से जब हमने वाई माइनस किया तो ये आ गया 2K। तो डेल्टा टीएफ सुक्रोज के लिए कितना है, 2K है। चेंज इन जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया वो 2K आया, किसके लिए, सुक्रोज के लिए। तो हम पहली इक्वेशन बनाएंगे सुक्रोज के लिए, फर्स्ट इक्वेशन फॉर सुक्रोज इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 2 जो है उसका डेल्टा टीएफ है, केएफ आपको रखने की जरूरत नहीं है केएफ, क्योंकि दूसरी इक्वेशन के लिए भी केएफ जब रखेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो केएफ को केएफ के टर्म में रख लो। डब्ल्यू बी मास हमें 4 ग्राम दिया है सुक्रोज का और उसका मोलर मास है 342 इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए मास ऑफ द सॉल्यूशन, जो ये जो सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, यहां से यदि मैं 4 माइनस कर दूं तो 100 माइनस 4 किया तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा 96, तो यहां से 96 मैंने प्लेस कर दिया। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट सुक्रोज के लिए।
सेम ऐसे ही मैंने दूसरी इक्वेशन बनाई फॉर ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का मुझे टीएफ निकालना है कि सॉल्यूशन में उसका कितना होगा। अब ग्लूकोज के लिए अगेन हमने वही इक्वेशन यूज की, डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना है, ये हम प्लेस नहीं करेंगे अभी। केएफ हम यहां जब दोनों इक्वेशन मिलाएंगे मैच करेंगे तो केएफ से केएफ कैंसिल हो जाएगा, इसे रखने की जरूरत नहीं है। मास यहाँ पर ग्लूकोज का दिया हुआ है 5 ग्राम, 5% के अकॉर्डिंग निकाला था हमने, और उसका मोलर मास हमने लिखा 180 दिया हुआ है, ये भी 180 इंटू 1000, और नीचे जो मास आएगा यहाँ पर भी सॉल्वेंट का, तो 100 में से आप 5 माइनस करके निकाल लोगे सॉल्वेंट का मास 95। ये हमने रख दी ग्लूकोज के लिए इक्वेशन बना ली सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास केएफ से केएफ कैंसिल करके और इनको सॉल्यूट मतलब इसको सॉल्व करके हमारे पास जो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, डेल्टा टीएफ ग्लूकोज का यहां से हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा टीएफ से हमें निकालना है सॉल्यूशन में उसका क्या चेंजेस आए फ्रीजिंग पॉइंट में, तो अगेन हमने क्या किया वही फॉर्मूला रखा, टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट एब्सोल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट माइनस टीएफ इन द सॉल्यूशन। तो एक्चुअल में हमें ये कैलकुलेट करना है, ये डेल्टा टीएफ हमें यहां से मिला और ये वैल्यू हम अगेन रख देंगे 273.15, तो हम यहां से टीएफ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहां तक ये चीज समझ आई आपको कि फ्रीजिंग पॉइंट से कैसे हम डेल्टा टीएफ से टीएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का ही है, चेन्नई का, ऑल इंडिया चेन्नई का क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन 0.1 मोलर Na2SO4 का सॉल्यूशन डिसॉल्व किया इतना कि वो 95% डिसोसिएट हुआ। पहले क्वेश्चन जो हमने किया था इनिशियली उसमें था कि कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ, यहाँ है उसका जो एक्सटेंट है डिसोसिएशन का वो 95% है। व्हाट वुड बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो रेस्ट तो आप मेरे ख्याल से कर लोगे फॉर्मूला ये प्लेस करके, पाई जब हम डिसोसिएशन की बात करते हैं कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर यूज करते, तो पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, यहाँ सी अगेन हम लेंगे एन अपॉन वी के इक्वल एंड एन नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे मास अपॉन मोलर मास। तो ये तो आप आई थिंक रिलेट कर लोगे। अब मेन बात आती है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, मेन जो प्रॉब्लम है वो है आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। तो Na2SO4 यदि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा होता तो ये भी दो आयन सोडियम के बनाता और एक सल्फेट आयन देता, तो N की वैल्यू यहाँ पर 2+1 हो जाती 3, और जो कि इक्वल हो जाता I फैक्टर के। बट क्योंकि ये 95% डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीट 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा, तो 95% का मतलब है यहाँ हमें निकालनी पड़ेगी अल्फा वैल्यू विच इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा डिसोसिएशन के केस में अल्फा की वैल्यू को आई से रिलेट करते हैं I-1/N-1 से। ऑलवेज रिमेम्बर जब एक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा हो और उसका मोलर मास नॉर्मल मोलर मास से कम हो रहा होगा, तो डिसोसिएशन के लिए जो रिलेशन यूज होगा आई का अल्फा के साथ वो है I-1/N-1, जहां अल्फा है पावर ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि हमें यहाँ 95% दिया गया है, अल्फा इज इक्वल टू 95%, तो 95/100 ये हो गया अल्फा की वैल्यू। आई हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें आई यहाँ प्लेस करना है, और एन वैल्यू क्या हो जाएगी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके जो बनते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आ रहे हैं इसके 3, तो अल्फा विल बी इक्वल टू I-1/N की वैल्यू, यहाँ 3 मोल्स आने चाहिए थे कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद, तो 3 मोल्स एंड -1, अल्फा हमने प्लेस कर दिया 95/100 I-1/3-1। यहां से हम क्या करेंगे I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस I वैल्यू को
हम पाई के फॉर्मूले में आईसीआरटी वैल्यू में यहाँ पर ये प्लेस करेंगे। रेस्ट आप कर सकते हो, सी आर और टी सी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे और गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.0821 एंड टेम्परेचर आपने 27 को केल्विन में चेंज करके रखना है। तो इस टाइप से आप ये जहां पर डिसोसिएशन कंप्लीट ना हो रहा हो वहां पर हम क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू को पहले, अल्फा की वैल्यू से आई की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, फोर्थ। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, दो लिक्विड्स हैं ए एंड बी 400 केल्विन टेम्परेचर पर, जिनका प्योर फॉर्म में जो प्रेशर है 450 mm है और 700 mm मरकरी है। उनकी कंपोजिशन निकालनी है हमें, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। यदि टोटल वेपर प्रेशर 600, उस सॉल्यूशन का यदि टोटल वेपर प्रेशर 600 मिलीमीटर मरकरी हो, तो हमने पहले डेटा इकट्ठे किए। पी नॉट ए, नॉट कब लगाते हैं, जब वो प्योर फॉर्म में प्रेशर होता है उसका। तो ए का प्योर फॉर्म में जो प्रेशर था वो 450 mm मरकरी है, और पी बी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म में है 700 मिलीमीटर मरकरी। अब हमें दिया गया है टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का, पी टोटल पूरे सॉल्यूशन का जब दोनों को मिला दिया तो जो टोटल प्रेशर आया वो आया 600 मिलीमीटर मरकरी। और हमें कंपोजिशन निकालनी है, मीन्स एक्स ए एंड एक्स बी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सीधा ये रिलेट हो रहा है राउट्स लॉ के लिक्विड इन लिक्विड प्रेशर फॉर्मूले से, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी से। जब दोनों सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो पी और पी बी की वैल्यू टोटल प्रेशर को देती है। यहाँ पर पी ए जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी इक्वल हो जाता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी के। इनमें से किसी एक की कंपोजिशन निकालने के लिए आप दूसरी वैल्यू को उससे रिलेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक्स ए निकालना चाहती हूँ तो एक्स बी को मैं चेंज कर दूंगी एक्स ए की फॉर्म में, तो 1 माइनस एक्स ए विल बी इक्वल टू एक्स बी। तो रिप्लेस कर दिया मैंने P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, एंड यहां पर मैंने एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए से रिप्लेस कर दिया ताकि दोनों टर्म्स एक ही फॉर्म में आ जाए एंड हम इसे इजिली कैलकुलेट कर सकें। तो ये P टोटल की फॉर्म हो गई। अब P टोटल दिया था 600 एंड P नॉट A दिया है 450, एक्स ए फाइंड आउट करना है, P नॉट बी की वैल्यू है 700 एंड 1 माइनस एक्स ए, एक्स ए हमें कैलकुलेट करना है। तो दोनों से हम